नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम आपके समक्ष विश्व के अंदर जो सिद्धार्थ गौतम परम बोधि को उपलब्ध हुए थे, जो उनको बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि का लाभ हुआ था, और उनके जो संपूर्ण शरीर के अंदर से, संपूर्ण चित्त के अंदर से, संपूर्ण चित्त के अंदर से अस्त्रों का विनाश हो गया था, वो पूर्णतः शुद्ध हो चुके थे। उनकी पूरी इंद्रिय पूरी तरीके से जागृत थी, और उस महामानव ने जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का दीपक, उस ज्ञान का प्रज्वलित दीपक, उस ज्ञान का शीतलता का ज्ञान संपन्न आनंद का, हाईएस्ट हैप्पीनेस का एक ऐसा पथ दिया, जिस पथ पर चलकर संपूर्ण मानव मात्र, संपूर्ण मानव मात्र उनका ऋणी रहेगा, जब जब उनको ज्ञान होगा कि ये बोधि और ये ज्ञान कितना अनुपम है, कितना अनुपम है। और यही कारण था कि कहीं उस समय के बलशाली राजा, कहीं विद्वान पंडित, कई विद्वान महापुरुष, कई विद्वान लोग उनके शरण में आए, और उन्होंने अपने आप की मुक्ति तो की, साथ साथ में संसार को अच्छा रास्ता देने का काम भी किया। तो कुछ लोग बाहर बाहर से तथागत को देखते रहे, बाहर बाहर से समझते रहे, जैसे कोई शीतल सौम्य तालाब के अंदर में नहाने के लिए उतरा ही नहीं, शीतल जल का आनंद लिया ही नहीं, केवल नहाने की कल्पना करते रहा। और ऐसे कल्पनाशील लोगों ने केवल कल्पना करते हुए बगैर किसी अनुभव के शास्त्र लिख दिए, और जिन्होंने बगैर किसी अनुभव के शास्त्र लिख दिए, वो शास्त्र मानव मात्र के कोई काम के नहीं है। उस शास्त्र के अंदर से ही, जिसके अंदर उनका कोई अनुभव नहीं था, और जब उनका अनुभव कुछ नहीं था, ऐसे शास्त्रों ने मानव मात्र का कायाकल्प न करके उसको भटकाया। लेकिन इंसान के पास में एक क्षमता है, जानवर और इंसान में अंतर है। जानवर सही और गलत क्या है ये जान तो लेता है, जानवर सही और गलत क्या है ये जान तो लेता है, लेकिन गलत को समझकर पूर्ण एक्शन की तरफ जाने के लिए उसके पास जो विशेष ब्रेन की जरूरत होती है, वो ब्रेन नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है। अपने
ऐसा कभी सुना है कि किसी हाथी ने एक मशीन का निर्माण किया है, किसी बंदर ने एरोप्लेन का निर्माण किया है, या किसी घोड़े ने बीज कहीं से खरीद के लाया, जमीन में डाला, मशागत की और वो फसल की देखभाल की? ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं। इंसान और जानवर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इंसान एक बुद्धिमान प्राणी इसलिए कहा जाता है, विवेक तो जानवर में भी है, विवेक इंसान में भी, लेकिन ज्ञान जो है, कुछ करने की क्षमता जो है, विजुअलाइजेशन की जो पावर है, वो इंसान के मस्तिष्क में है। और वो किसके माध्यम से? उसके पास में स्ट्रांग ऐसी अंदर खजाने पड़े हुए हैं। और वो खजाने आचरण के माध्यम से ही बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर इंसान कहे कि मैं जानता सब कुछ हूं लेकिन करता कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ज्ञानियों से विश्व के अंदर में बहुत सी ऐसी लोग, ऐसे कथाकार, ऐसे वाचनकार पैदा हो गए हैं जिनका उस क्षेत्र के अंदर में कोई अनुभव नहीं होता है। केवल वो कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और बोलते हैं वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा, वो भगवान देगा, वो ईश्वर देगा, वो ईश्वर बुरा करेगा, वो ईश्वर सही करेगा। ईश्वर का, भगवान का नाम ले लेके सामान्य जनता की जो बुद्धिमत्ता है उसका हरण कर लेता है, उसको एक प्रकार से गुलामी के तंत्र के अंदर डाल देता है। और गुलामी के अंदर में दो प्रकार के लोग डालते, एक तो जानबूझ के डालते हैं और एक ना समझ होते हैं इसलिए डालते हैं। जानबूझ के वो लोग डालते हैं जैसे जिसका चित्त मलिन होता है, तो उसको लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, बाकी कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, बाकी दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है। और मही जैसे श्रेष्ठ वाला अहंकार आता है, उस अहंकार के वश में आकर वो गलत लाइन में भटकना शुरू करता है। दूसरे को जो ज्ञानी है उसको अपने अंदर की अच्छाई दिखती है और लोगों के अंदर की भी अच्छाई दिखती है। तब वो ज्ञानी क्या करता है, अपने अंदर की अच्छाई को बाहर निकालता है और लोगों के अंदर की भी अच्छाई बाहर निकालने के लिए काम करता है। ऐसा ज्ञानी आदमी सीलवान, अच्छे आचरण वाला कहा जाता है। और जो अच्छे आचरण वाले लोग हैं वही लोग इस धरती पर बहुत बड़ा कुशल कर्म का काम करने वाले हैं, और उस कुशल कर्म के परिणाम से उनको जो आनंद की, हाईएस्ट हैप्पीनेस की जो प्राप्ति होने वाली है वही उनका मुक्ति है, वही उनकी मुक्ति है, वही उनका मोक्ष है। केवल मुक्ति और मोक्ष नदी में नहाने से नहीं मिलने वाली है, केवल मुक्ति और मोक्ष पत्थरों की पूजा करने से नहीं मिलने वाली है, केवल मुक्ति और मोक्ष भजन करने से नहीं मिलने वाला है, मुक्ति और मोक्ष आचरण से मिलने वाला है, मुक्ति और मोक्ष आपके क्रियाकलाप से मिलने वाला है। क्योंकि जो आप आचरण करेंगे, जो आप सोचेंगे, वो आपके ब्रेन के अंदर से निर्माण होगा, आपके चित्त के अंदर से निर्माण होगा। और चित्त के अंदर से निर्माण कब होगा? जब आप उधर अपना फोकस डालेंगे, जब अपनी समाधि उधर लगाएंगे, जब आप अपनी समाधि लगाएंगे तब उधर जाएगा। और कैसी समाधि? भावनामय, प्योरिटी वाली, अच्छी भावना, मंगल मैत्री की भावना। जब आप अपने अंदर से मंगल मैत्री की तैयारी करेंगे, अपने अंदर से मंगल मैत्री की तैयारी करेंगे, तब आप अपना तो मंगल करेंगे, सामने वाले का भी मंगल करेंगे, अपना तो मंगल करेंगे, सामने वाले का भी मंगल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए ही मंगलमय नहीं हो, अपने लिए ही मैत्रीवान नहीं हो, अपने को ही पीड़ा दे रहे हो, अपने में गुस्सा कर रहे हो, क्रोध में हो, आपका आचरण ही दूर आचरण है, गलत आचरण है, उस आचरण के कारण आप चारों तरफ गंदगी फैलाने का ही काम करेंगे। ऐसे कई लोग करते हैं, ऐसे कई लोग करते हैं। और
जब वो करते हैं तो वो बोलते कि हमारे जीवन में एक के बाद दुख क्यों आ रहा, उसका रीजन वही है। और लास्ट में खुद विकसित हो जाते गलत मार्ग में जाने के कारण। तो तथागत का जो मार्ग है ये इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, क्योंकि जब आप अपना अवेयरनेस खो देते हो, जब आप अपनी स्मृति खो देते हो, जब आप अपनी अवेयरनेस खो देते हो, तब आप गुलाम हो जाते हो मन के। जब आप मन के गुलाम हो जाते हो तब आपकी इंद्रिय उधर उधर भागना शुरू करते हैं, आपकी आँख इधर भागती है, कान उधर भागता है, ना आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्या चीज़ ग्रहण करना क्या नहीं करना, सब स्वाद के लिए चलता है, आपका सारा का सारा तंत्र गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर आप स्मृतिवान होते हो, जागृत होते हो, तो आप होश में होते हो, और होश में होने के कारण आपके अंदर प्रकाश का दीपक जलता है, ज्ञान का दीपक जलता है, फिर अंधेरा आपको दिख जाता है। अंधेरा होता ही नहीं पहले तो दिखेगा क्या, अंधेरा होता ही नहीं, लेकिन अंधेरे के अंदर में जो चीज़ें होती है वो दिख जाती है, सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है। इसलिए तथागत ने कहा प्रज्ञा प्राप्ति एक बड़ा कार्य है, प्रज्ञा के वृद्धि एक बड़ा कार्य है, और प्रज्ञा से ही इस शरीर के अंदर में, इस चित्त के अंदर में जो समाये हुए दुर्गुण है उसको खत्म किए जा सकते हैं और अच्छाई को स्थान दिया जा सकता है। तो जितने भी कुशल कर्म कार्य आपके जीवन में होंगे, जितने भी कुशल कर्म होंगे वो क्यों होंगे, केवल आचरण के कारण, केवल एक अच्छे आचरण के कारण, अच्छे एक्शन के कारण। तो तथागत का धम्म जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आलस में पड़े हैं, जो आलस में पड़े हैं, जो तंद्रा में पड़े हैं, जो आलस में पड़े हैं, जो तंद्रा में पड़े हैं, जो नशे के अंदर में धुत है, जिनको सही और गलत की जानकारी नहीं है, जो वासना में पड़े हैं, जो दुर्गुणों में पड़े हैं, उनके लिए तथागत का मार्ग समझ में नहीं आएगा। और ऐसे लोग तथागत के मार्ग का बड़ा विरोध करते हैं। गांजा फूंक कर अपने आप को बेहोशी की तरफ ले जाने वाला, चिलम ओढ़ कर अपने आप को नशे के अंदर ले जाने वाला, शराब खूब सारी पीकर अपने आप को बेहोश करने वाला तथागत के मार्ग का इसलिए विरोध करता है। वो बोलते तथागत वथागत कौन है, कौन बुद्ध है, कौन सा ज्ञान है, हमको तो पहले ही प्राप्त हो गया है, हमने पी लिया है। और ऐसे लोग अपना तर्क देते हैं, उनका अपना एक अलग आनंद है, अलग मजा है, लेकिन उस मजा में, उस आनंद में ये बेस नहीं बनता है। तथागत का जो आनंद है वो क्या है, शुरुआत में भी कल्याणकारक, मध्य में भी कल्याणकारक और अंत में भी कल्याणकारक। गांजा पियोगे, शराब पियोगे, नशा आएगा, शुरुआत में अच्छा लग रहा है, झूम रहे हैं, लेकिन उसका लीवर पर इफेक्ट जो हो रहा है गलत, उस नशे का ब्रेन पर जो इफेक्ट हो रहा है, उस नशे का हार्ट पर भी इफेक्ट हो रहा है, उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जिस मजे के अंदर में बाद में दुख है, कष्ट है, वो मजा मजा नहीं है, दुर्गुण है। इसलिए तथागत उन अज्ञान से पीड़ित जनता को कहते कि भाई ज्ञान हासिल कर लो, मैं परम बोधि को प्राप्त अरहंत सम्यक संबुद्ध हूँ, मैंने जो ज्ञान दिया उसको समझ तो लो, समझ कर जान कर आपको लगता है ये सही है करके देखो, करके देखने के बाद उसका प्रैक्टिकल देखो, उसके रिजल्ट देखो, देखने के बाद फिर लगता है सही है तो उसको अपनाओ, नहीं लगता है तो मत अपनाओ। इतना बड़ा स्वतंत्रता का रास्ता किसी ने नहीं दिया। पहले तो अपने कुछ करने से पहले अपने बुद्धि के बल पे पता कर लो क्या चीज़ सही है या गलत है, अगर गलत लगती है कि नहीं नहीं इसका रिजल्ट गलत आया है, गलत है, मत करो। लेकिन अगर सही लगता उसको अपनाने में क्या है, उसको अपनाने में क्या बुराई, उसको समझने में क्या बुराई है, क्यों समझ के रखे हो अपने आप को कि मैं जन्म से ही विद्वान हूँ, कल मुझे एक व्यक्ति मिला बोले मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो मैंने कहा भी ब्राह्मण कर्म से बनता है, बोले नहीं मैं कर्म वाला तो हूँ लेकिन जन्म वाला भी हूँ, मैं जन्म से ही ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ। उसने अपने गले में से एक माला दिखाई,
तुलसी की, बोली ये देखो मैं पहन के हूँ। अब मैंने कहा तुलसी की माला पहनने का और ज्ञान से क्या रिलेशन है? अब वो बोले कि देखो आप ज़्यादा मत बोलो, आप ज़्यादा मत बोलो। तो मैंने उसकी चित्त की स्थिति देखी, उसके मन की स्थिति देखी, वो बहुत क्रोध में आ रहा था। तो मैंने कहा स्थान सही नहीं है, व्यक्ति भी सही नहीं है बात करने के लायक, क्योंकि एक अगर पंडित जन है, विद्वान है, तो उससे बात की जा सकती है, उससे कुछ शास्त्रार्थ कुछ किया जा सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर बात बात में बहुत क्रोधित हो जाए, वो बोले कि मैं सही हूँ, तुमको कुछ जानकारी नहीं, तो उससे वार्तालाप नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ देना ही सही रहता है। क्योंकि आप अगर उसको और कुछ बोलेंगे तो वहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसा विवाद तो हमें करना नहीं है। हम तो उसको अच्छा ही देने जा रहे हैं, हम तो उसको कुछ जगाने जा रहे हैं। लेकिन आंदोलित वो व्यक्ति जब हुआ, तो मैंने कुछ नहीं कुछ उसके दिल में अच्छी बात डाली, इसलिए अब वो जाके चर्चा करेगा। अब वो कहीं ना कहीं चर्चा करेगा कि एक मित्र मुझे मिला था और जिसने कहा कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब तथागत के नजर में ब्राह्मण का मतलब क्या है? तथागत के नजर में ब्राह्मण का मतलब अर्हत है, ये जो जाति वाला ब्राह्मण नहीं, अर्हत ब्राह्मण। तथागत भी ब्राह्मण की परिकल्पना करते, लेकिन अर्हत, जो अर्हत है, जिसके अंदर से, जिसने अपने अंदर से बुराई को हटा दिया है, वो अर्हत, वो ब्राह्मण है। तो ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति संसार का कल्याण कर सकता है। लेकिन जिसने नकली डिग्री लगा ली, डॉक्टर तो बन गया लेकिन डॉक्टर की उपाधि नहीं ली, डॉक्टर का ज्ञान नहीं, लेकिन डॉक्टर लगा की पदवी लगा रहा है और वो जनता का इलाज करने जा रहा है, तो जब वो जनता का इलाज करने जाएगा तो पता ही नहीं मेडिसिन क्या देना क्या नहीं, तो क्या करेगा? कहीं लोगों को गलत रास्ते में भटका देगा। ऐसा ही इस संसार में दुख मुक्ति का रास्ता बताने वाले, शास्त्र जानने वाले लोग, इनका अपना अनुभव कुछ भी नहीं है, ये असली अर्हत नहीं है। और अर्हत न होने के कारण अर्हत को फॉलोअर भी नहीं है, इन्होंने अपने आप ही शास्त्र तैयार कर दिए और वो शास्त्र के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो ये है कि जो गुमराह हो रहे हैं उनकी जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर हम जो आए हैं, अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए आए हैं, अच्छाई का रास्ता तलाशने के लिए आए, और अपने आप को अच्छा करके जनता को भी इस संसार को अच्छाई के मार्ग पर ले जाने के लिए आए। हमारा बड़ा अपना महत्व है, लेकिन आज देख रहे कि व्यक्ति कुंठित हो रहा है, अपनी अपनी भलाई में लगा है। वो चाहता है कि किसी का कुछ हड़प ले, कुछ कर ले, कुछ ये कर ले, वो डरा हुआ है। और ऐसे डरा हुआ आदमी पहाड़ों के शरण जा रहा है, पत्थरों के शरण जा रहा है, किसी साधु के शरण जा रहा, कहीं भी शरण जा रहा, और थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिल जाती है, क्योंकि वो सांत्वना दे देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं मिल पाती। लेकिन तथागत का जो मार्ग है, ये परमानेंट शांति का मार्ग है, हाईएस्ट हैप्पीनेस, निर्वाण का जो एरिया, हाईएस्ट हैप्पीनेस का एरिया। जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का एरिया है, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होगा उसकी क्यों मृत्यु होगी? तो ये जो शरीर जो बनता है, जब बनेगा तो नष्ट होगा ही, और जब बनेगा ही नहीं तब नष्ट क्यों होगा? अब आप बोलेंगे शरीर से ही तो सारा एंजॉय होता है, फिर शरीर नहीं तो एंजॉय कैसे होगा? शरीर से कौन सा एंजॉय होता है? भूख लगती तो खाना देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसकी कितनी सारी केयर करनी पड़ती है। तो ये शरीर जो है हमको क्यों मिला है, सबसे पहले ये समझना है। शरीर एक नाव के जैसा है, नाव के जैसा है, अपने अंदर के दुर्गुण दूर करने के लिए मिला, अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए मिला, और पूरी चित्त की शुद्धता करने के लिए मिला। इसलिए जो कुशल आचरण है, कुशल कर्म है, कुशल धम्म जो है, उस कुशल धम्म की तरफ, कुशल आचरण की तरफ, कुशल व्यवस्था के निर्माण करने के लिए तथागत ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो घर घर, खेत खेत, जहाँ जहाँ इंसान थे, जहाँ जहाँ लोग थे, वहाँ एक आदमी मिला, दो व्यक्ति मिले, पांच व्यक्ति मिले, हजार लोग मिले, सब जगह अपनी वाणी को वो फैलाते रहे, संबोधित करते रहे। तो कुशल धर्म, कुशल धम्म, ये कैसे निर्माण होंगे? वो एक्शन से निर्माण होंगे, वो एक्शन से निर्माण होंगे। और एक्शन करने का काम किसको करना पड़ेगा? एक्शन करने का काम हमारा अपना है। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि लोग ज्ञान बहुत प्राप्त कर रहे हैं,
ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों के पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन एक्शन नहीं। एक्शन जब तक नहीं करेंगे उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। और एक्शन नहीं करने के कारण बहुत सारे ज्ञानी लोग पैदा हो गए, और ज्ञानी हो गए लेकिन उनका अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञान जो उन्होंने जो हासिल किया किसी और का दिया हुआ ज्ञान है, उनका अपना ज्ञान नहीं है। किसी का दिया हुआ ज्ञान जब वो अपने ऊपर आचरण में लाएंगे तब उस ज्ञान के परीक्षण के अंदर से गुजरेंगे, और जब वो परीक्षण के अंदर से गुजरेंगे तब उनको सही और गलत का पता चलेगा, और जब सही और गलत का पता चलेगा तब वो अपने अनुभव वाला ज्ञान हो जाएगा, उनकी अनुभव वाला ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को उतारना है। तथागत ने आनापान सति सिखा दी, लेकिन आपने की नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा क्या है। शब्द शब्द पढ़ लिए लेकिन आपने बैठे नहीं, पालती मारकर बैठे नहीं, आती जाती श्वास को आपने देखा नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा आपका केंद्र बिंदु कहाँ से आ रहा है, आपकी ऊर्ध्व स्रोत किसे कहते हैं, ऊर्जा कैसी ऊपर तक बह रही है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना। आप विटनेस नहीं होंगे तब पता कैसे चलेगा कि मन कैसे भाग रहा है। आपको भावना के बारे में कैसे पता चलेगा कि चित्त की भावना कैसे निगेटिव होती है, चित्त की भावना कैसे पॉजिटिव होती है, और उसको निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, वो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे एक्शन में आएंगे, जब आप उन चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। और ये बड़ा 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 काम है, ये बड़ा काम है, बड़ा रहस्य की बात है, बड़ी रहस्य की बात है। ऐसे सिंपल नहीं है, क्योंकि लोग बोले हमने कॉलेज की डिग्री ली, हमारे पास तो बहुत डिग्री है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ज्यादा ज्ञानी थे। फिर संत कबीर साहब को गुरु क्यों माना, उनकी कितनी डिग्रियां थी, लेकिन संत कबीर साहब ने क्या हासिल किया था, आंतरिक ज्ञान। ज्योतिबा फुले को गुरु क्यों माना, 8वीं 10वीं पढ़े लिखे व्यक्ति, उनका ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से लिया गया उनका एक्शन, ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से लिया गया एक्शन, उस कर्मों के आधार पे बाबा साहब ने उनको गुरु माना। और प्रथम गुरु तथागत को क्यों कहा कि प्रथम गुरु मेरे तथागत है, क्यों कहा, इतने विश्व के विद्वान व्यक्ति उन्होंने तथागत के शरण में क्यों गए, क्या भारत में पैदा हुए इसलिए गए, ऐसा लोग कहते कि वो भारत में पैदा हुए इसलिए गए, नहीं। बाबा साहब जैसे व्यक्ति को किसी स्टेट से और किसी से लेना देना नहीं रहता है, वो विश्व लेवल पे ब्रह्मांड लेवल के सोचने वाले लोग होते हैं। उन्होंने देखा कि ये तथागत सम्यक संबुद्ध, इनकी जो वाणी है इस वाणी के अंदर में प्योरिटी है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए पूरी क्षमता है। कोई बातें ऐसी ही नहीं कह दी है। और आज अगर तथागत के नाम से कोई घालमेल अगर करता है, लिख देता है, कुछ भी गलत लिख देता है, तो उसको आप तथागत का वाक्य समझ के ग्रहण ना करिए। कबीर साहब के बारे में अगर कोई कुछ लिख देता तो आप कबीर साहब की वाणी समझ के ग्रहण ना करें, और बाबा साहब के बारे में कोई स्पीच में कुछ भी बोल देता तो आप बाबा साहब की वाक्य मानकर ग्रहण नहीं करें। इसके लिए आप अपनी ज्ञान को, अपने प्रज्ञा को जगाएं, क्योंकि जब तक आप जगाएंगे नहीं तब तक आप उनके फॉलोअर नहीं बनेंगे। अगर आप फॉलोअर नहीं बनेंगे सही ढंग से तो आप भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और आप भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो आपकी सदगति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। सदगति के बजाय गति सदगति होनी चाहिए थी लेकिन दुर्गति हो गई, क्योंकि आपने फॉलो गलत किया। तथागत एक जगह कहते हैं कि मुझे कोई पूछे कि राजगृह में जाने का रास्ता क्या है, मैं राजगृह का रास्ता जानता हूँ और मैंने बता दिया इस रास्ते से जाना है, और सामने वाला उस रास्ते से न जाके कुछ दूसरे मार्ग से भटक गया, तो गलती किसकी है, मेरी है कि वो भटके हुए आदमी की है? बोले भटके हुए आदमी की है। क्यों? कि उसने सुना नहीं सही ढंग से, सुना भी है समझा नहीं, और समझा नहीं तो वो गया नहीं उस रास्ते से। जिस रास्ते से नहीं गया तो उस गांव में पहुंचेगा, उस शहर में पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, वो गलत जगह पहुंच जाएगा और बोलेगा यार मेरी तो उम्र चली गई, मेरा टाइम खराब हो गया। ऐसे ही लोग अपना इतना बहुमूल्य जीवन, इतना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं गलत रास्ते पर जाके, गलत गुरु का चुनाव करके, गलत रास्ता पकड़ के। इसलिए आपका सच्चा गुरु आपका हितेशी होगा, आपको सही मार्गदर्शन देगा। आपका गुरु आपके पास जरूरी नहीं कि चीवर पहन के आए, आपका गुरु हो सकता है सूट पैंट में भी आपके पास में आए। कपड़ों से गुरु को कोई लेना देना नहीं है। लोग देखते कि गेरुआ वस्त्र धारण करे वो होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र उसने धारण किया जाना चाहिए, उसने गले में बहुत सारी माला पहनना चाहिए, उसने टीका लगाया होना चाहिए तो वो ज्ञानी है। नहीं, ये ऊपरी आवरण है,
इस आवरण को संतों संतों का उससे कोई लेना देना नहीं, उस आवरण से संतों का कोई लेना देना नहीं। वो तो उसके लिए तो कुछ मतलब की बातें नहीं, वो दिखावा नहीं करेगा, वो चमत्कार नहीं दिखाएगा। आजकल ऐसे बहुत सारे साधु संत हो रहे हैं, संत जो अपने आप को बोलते हैं, जो एक चित्त से एक मन से दूसरे के मन की बातें जानते हैं और उसी बातों को जान के वैसे ही लिख लेते हैं, पट्टी पे लिख के वो बता दे, देखो मैंने जान लिया। अरे भैया वो एक विद्या है, तुमने जानना सीखा। आजकल टीवी कलाकार भी ऐसे आ रहे हैं, वो बताते हैं कि देखो हम आपके इसमें आ रहे, तो वो एक कलाकार है, जादूगर है। कुछ लोग भूत निकाल लेते, वो एक जादू की कला है। तो जादू की कला सीखना, एक के मन की बातें जानना, ये एक आपकी एक विद्या हो सकती है, लेकिन आप ज्ञानी हैं ऐसा नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए आपके अंदर से उस चेतना का उद्गम होना जरूरी है, जो ब्रह्मांड के अंदर में जो सत्य की चेतना है, जो इनलाइटमेंट का एरिया, उस इंटर एरिया के अंदर में आपका कुछ न कुछ साक्षात्कार होना जरूरी है। उस इंटर एरिया को समझना जरूरी है। जब आप समझोगे तब आपकी ये मूर्तियाँ ऐसे ही निकल जाएगी बाहर, तब आपके शास्त्र बाहर निकल जाएंगे, तब आप बचोगे, आपकी भावना बचेगी। और वो भावना, वो बातें, वो मैत्री, वो अच्छाई आपको प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी। तब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि आप एक कल्याण करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, आपके कारण कल्याण होना चालू हो जाएगा, आपके कारण कल्याण होना चालू हो जाएगा, और आपके कारण कई लोग सदगति का मार्ग पकड़ना शुरू करेंगे और वो आपको दुआई देंगे, अरे वाह यार बहुत अच्छा है, इस आदमी के कारण मुझे कम से कम अच्छाई मिली। इसलिए कोई अगर बोलता है तो ध्यान से सुनिए, कोई अगर बोलता है ध्यान से सुनिए, कोई विद्वान अगर बोलता है ध्यान से सुनिए, कोई किताब ध्यान से पढ़िए, और अत शरण आइए, अपने शरण में आइए, खुद के शरण आइए, और खुद के शरण आकर देखिए, देखिए आपके अंदर में कितनी सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर कितने सारे बल हैं, आपके अंदर कितनी चीजों को आपने टच नहीं किया है अभी लाइफ में। अभी आपने टच नहीं किया क्योंकि आपने आचरण के अंदर लाया ही नहीं, आपने आचरण के अंदर लाया ही नहीं। तो तथागत जो बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण क्या बात कहते हैं, सिले पठिताय नरो सपज्जो चित्त पज्जच्च भावय आतापि निपको भिक्कु सो इम विजटये जटति अय पठिता धरणिव पाणिन इदच्च मूल कुशला भिवड्डिया मुख चिंद सब जिनानुशासने यो शिलखंदो वर पाती मोक्षयति। तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो सील यानी अच्छे आचरण पर दृढ़ होकर चित्त को भावना चित्त कैसा आपका कंट्रोल होता है, भावना से, इमोशन से कंट्रोल होता है। इसलिए आपका इमोशन कभी भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सील को भावना से कंट्रोल करके संयमित होकर बुद्धिमान भिक्षु जो आंतरिक अस्त्रव्य है, जो जटा है, जो बंधन है, उसको साफ करता है। तो इस धरती पर लोगों का जो आधार है और जो कुशल की जो अभिवृद्धि, कुशल की वृद्धि करना है, उसका जो मूल है और सभी जो विजेता है, इनका जो अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब इनका जो फोकस है,
ये उत्तम मार्ग ही होता है। ये सील वाला जो अच्छी आचरण वाला ही मार्ग होता है। तो जो इमोशन से अच्छाई की तरफ पूरा समाधिस्थ होकर पूर्णता दृढ़ होकर उसको पकड़ के रखता है अच्छाई को और उसको उसके ऊपर एक्शन करता है, आधार बनाकर सील को, अच्छे आचरण को आधार बनाकर एक्शन के अंदर में आता है, वो विजेता बन जाता है। और अपने अंदर की जो पूरी बुराई है उसको साफ कर देता है, क्योंकि जब अच्छाई के अंदर में आप होते हो तो बुराई फटक नहीं सकती और आप एक गतिशील व्यक्ति बनते हो, एक उन्नतिशाली बनते हो और आपकी उपलब्धि इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाती, इतनी उपलब्धि कि उसको देख के आप चकित हो जाते हो। तो तथागत का जो धम्म है ये कर्म के लिए है, एक्शन के लिए है, केवल आलस्य में बैठ के केवल सोचने विचारने के लिए नहीं है, एक्शन के लिए भी है। और जब आप एक्शन करेंगे तो ये सब किस लिए करना है, जैसे कि एक किसान अपने जमीन की मशागत करता है, किस लिए करता है, उसको अच्छा बीज डालने के लिए, अच्छा बीज डालने के लिए उसकी मशागत करता है, फिर उसको खाद देता है, पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, फिर देखभाल करके जब फसल आती है उस फसल से अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है। ऐसे ही इस संसार के अंदर में जितना भी गलत चीज़ें हैं, जितनी भी अपने अंदर में जो गलत चीज़ें उसको हटाने के लिए आपके अंदर प्रज्ञा रूपी जो डेवलपमेंट है वो होना जरूरी है, तब आप सही गलत की पहचान करोगे और इसलिए गलत की तरफ नहीं जाओगे, आप अच्छाई की तरफ जाओगे और एक ताकतवर इंसान बन के उभर जाओगे और फिर आप एक नेतृत्व करने वाला इंसान बनोगे और वो बनने के बाद में आपके कारण सब मंगल होगा, बहुजनों का मंगल होगा, बहुत से लोगों का मंगल होगा, आपके कारण कई लोगों की वृद्धि होगी, कई लोगों के जीवन के अंदर प्रकाश आएगा और आपका खुद का जीवन भी बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। तो सभी लोगों के लिए मैत्री की कामना करते हुए, मंगल जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।